भारत और आलमी तारीफ में अप्रैल 22 के हम वाप्यात 1500। पुर्तगाली मला पेड्रो अलुयर कैब्रॉल ने ब्राजील दरियाफत किया 1521। फ्रांसीसी बादशाह फ्रेंकराइस अवल ने स्पेन पर हमला का ऐलान किया 1809। फ्रांस के फौजी सरबरा नेपोलियन अवल ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी 1812। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की पैदाइश हुई 1870। रूस के मार्क्सवादी मफक्कुर व्लादिमीर लेनिन की पैदाइश हुई 1906। एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों का इफ्तिता हुआ 1912। सोवियत यूनियन की आवाज कहे जाने वाले प्रावधा की इशात हुई 1915। पहली आलमी जंग में जर्मनी की फौज ने पहली बार जहरीली गैस क्लोरीन का इस्तेमाल किया 1921। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क वाओ कॉम की खिदमत के लिए इंडियन सूल सर्विस से इस्तीफा दिया 1923। समाजी कारकुन और सहाफी बाबानी शीशगिरी पाई की कर्नाटक के अनकुला में पैदाइश 1931। मसर और इराक ने उमन समझौते पर दस्तखत किए 1944। दूसरी आलमी जंग के दौरान दोस्त ममालिक ने नौगया मंद जापान के खिलाफ एक बड़े हमले की शुरुआत की 1945। जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने दूसरी आलमी जंग में अपनी शिकस्त कबूल करते हुए खुदकुशी की 1946। भारतीय फौज की वर्दी का रंग खाकी से बदल जैतूनी हरा रंग किया गया 1952। नवादा ने नूब में वाक़े नेटवर्क न्यूज में पहली बार नेवकलियाई तजर्बा किया गया 1954। इस वक्त का रूस सोवियत यूनियन में शामिल हुआ 1958। एडमिरल आर डी कटारी हिंदुस्तानी बहरिये के पहले चीफ बने 1970। दुनिया में पहली बार आलमी यौम अर्जियात मनाया गया 1977। ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में इस्तेमाल किया गया 1987। श्री लंकाई बहरिये की बमबारी में सैनिकों तमूल मारे गए 1992। मेक्सिको में एक सेवर में गैस रसने से हुए धमाके में 200 लोगों की मौत हुई 1994। अमेरिका के साबिक सदर रिचर्ड निक्सन का 81 साल की उम्र में इंतकाल। वो 1969 हमजा में अमेरिका के 37वें सदर बने थे 2000। श्रीलंकाई खाना जंगी के दौरान तमूल टाइगर्स ने एलिफिनट दर्रे पर कब्जा किया 2006। तकरीब 5 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद आखिरकार के आसफ की शाहकार फिल्म मुगल आजम लाहौर पाकिस्तान के गुलिस्तान सिनेमा में रिलीज हुई 2006। नेपाल के शाह ज्ञानेंद्र के खिलाफ मुजाहरे के दौरान हिफाजती दस्तों की फायरिंग में तकरीबन 250 जमहूरियत हामी जख्मी हुए 2008। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को लूडोव नोबल इनाम से सरफराज किया गया 2012। लंदन मैराथन में शिरकत करने वाली एक 30 साला खातून की अचानक गिरकर मौत हो गई।